नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन साथियों के लिए है जिन्होंने स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 का पेपर दिया है। और पेपर देने के बाद में हमने इससे पहले भी एक विश्लेषण किया था और उसके पश्चात अब आंसर की जारी हो गई है आरपीएससी के द्वारा। और आंसर की जारी होने को आज काफ़ी दिन हो गए हैं, बावजूद उसके कई लोगों से बात हुई, कई साथियों से उनके नंबर्स के बारे में सर्वे किया गया, लोगों की राय जानी, और भी सारे विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी है काफ़ी लोगों से बात हुई। और उनसे नंबर पूछने के बाद में, आंसर की जारी होने के बाद में उनके नंबर्स पता किए गए। और एक चीज़ सामान्य सी देखी गई है कि जो आंसर की जारी होने से पूर्व और आंसर की जारी होने के बाद के नंबरों में थोड़ा बहुत अंतर आया है लोगों के बीच में, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज संभावित कट ऑफ मैं यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, एक विश्लेषणात्मक ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। और इसमें भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियोज मिलने वाले हैं। तो कट ऑफ की बात करने से पहले, क्योंकि जब कभी भी परीक्षा में कट ऑफ जारी होती है तो उसके कुछ कारक होते हैं जो उस कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। पहली बात, हम जब भी किसी परीक्षा या फिर विशेषकर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की कट ऑफ की बात करते हैं तो कई साथी हैं जो यूट्यूब पर भी बताते हैं, सोशल मीडिया पर भी बता रहे हैं कि 2015 में ऐसा हुआ था, 2015 में ये थी। क्योंकि हर साल का पेपर मुझे लगता है कि अलग होता है और उसमें दूसरे किसी पेपर की तुलना करना मुझे मेरी दृष्टि से सही नहीं लगता। हो सकता है कि किसी को ये लगता हो कि 15 के मेरिट के अनुसार जाएगी या उससे प्रभावित होगी, तो उसका कोई विशेष फर्क मुझे नहीं लगता है कि उसका यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये है कि हम अनुमानित रूप में ये कह सकते हैं कि उस समय ऐसा था तो ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इस बार की जो मेरिट होगी उसको कुछ चीजें हैं वो प्रभावित करेगी। पहली बात, प्रथम प्रश्न पत्र। जब आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो कर रहे हैं हिंदी विषय की में संभावित मेरिट, हिंदी विषय में जो मेरिट जाएगी वो किस प्रकार से होगी, कितनी जाएगी और कौन कौन सी कैटेगरी वाइज हम एक संभावित मेरिट आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, प्रथम प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न पत्र जो था उसकी एक समस्या ये थी कि उसमें जो करंट अफेयर के 10 सवाल पूछे गए थे वो दरअसल काफी पूर्व के थे, क्योंकि पेपर जुलाई के एग्जाम के अनुसार छप चुका था और उसी पेपर को यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए थे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वो जो 10 प्रश्न थे समसामयिकी के वो ज्यादातर, भाई किसी के हुए होंगे लेकिन ज्यादातर लोगों के सही नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में 10 प्रश्नों के वो जो मेरिट को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे मनोविज्ञान। हिंदी का जो प्रश्न पत्र आया था उसमें जो 30 प्रश्न नंबर का प्रश्न जो होते हैं वो दरअसल हिंदी में अगर आप देखोगे तो मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न है वो आउट ऑफ सिलेबस भी थे और व्यवहारिक कम और मतलब सैद्धांतिक कम, और उस स्थिति में थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे थे। कुछ लोग हैं, एवरेज अगर देखा जाए तो 30 में से 20-22 ही लोग अटेंड करके आए हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मेरिट को प्रभावित करने वाला है, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें, एक यहाँ पर दो तीन कारक थे जो यहाँ पर मेरिट को प्रभावित करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि मेरिट कैटेगरी वाइज कितनी रहेगी और किस प्रकार से, और उसके पीछे कारण क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी की मेरिट की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी, क्योंकि कई लोगों से जब पूछा गया तो मेरिट में दरअसल समस्या ये रहती है कि अब जब सभी के मार्क्स सामने आने लगे हैं कई ग्रुप्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो 280 और 300 के बीच में, मतलब 90-95 के बीच में ज़्यादा है और उसके बाद में 280 और उसके और 300 से ऊपर अगर कोई मिल रहा है तो 310 से ऊपर कोई नहीं जा रहा है। मतलब एक दो अगर, मतलब इतने ज़्यादा नंबर है नहीं, क्योंकि पिछली भर्ती में मेरे खुद के 350 के उसने नंबर आए थे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इतने ज्यादा नंबर इस बार है नहीं किसी के, ठीक है। और पिछले बार के पद भी ज्यादा थे और इस बार के 450 की लमसम 850 के लमसम पद है, तो ऐसी स्थिति में मेरिट भी प्रभावित होगी। और यहां पर मुझे लगता है कि 295 नंबर,
295 नंबर, 1-2 नंबर का आगे पीछे भी होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये कोई फाइनल मेरिट नहीं है, ये संभावित मेरिट है। तो 295 नंबर आप ये मान के चलो अगर आपकी जनरल कैटेगरी में है, तो मुझे लगता है कि वो आश्वस्त है कि उसका सिलेक्शन होने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जनरल में महिला की मेरिट, महिला की मेरिट में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अगर 1-2 नंबर का अंतर रहता है, तो मैंने यहाँ की हालांकि 294-93 का अनुमान लगाया है, तो हो सकता है कि मतलब जनरल मेरिट में महिलाओं के और पुरुषों के, पुरुष ने सामान्य वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है इस बार। तो सबसे पहले बात की हमने संभावित मेरिट सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग ज्यादा से ज्यादा 295। उसके बाद में बात रहती है ओबीसी की, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल में ज्यादा अंतर इस बार नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहने वाला है? क्योंकि अधिकांश लोग जनरल वाले लगभग है वो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, और आधे ओबीसी के इसमें अधिकांशतः होते हैं, तो इसमें ज्यादा अंतर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि 292 और 290, 90 और 92 के बीच में ये मेरिट रहने वाली है। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ओबीसी में महिला और पुरुष में ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला, कि मैंने यहाँ पर 2 का गैप दिया है, इतनी भी संभावना बिल्कुल कम लग रही है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट होती है वो दरअसल क्या होता है, अब जैसे जिनके बहुत ज़्यादा नंबर है जनरल में वो तो चले जाएंगे जनरल में। ठीक है, उसके बाद में जो बचे हुए वो ओबीसी में नहीं आकर ओबीसी में तो आने में रहे, तो ईडब्ल्यूएस में केवल जनरल कैटेगरी आती है, तो वहां पर जो बात होती है, तो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी नहीं कह सकते, लेकिन जो इन सब कैटेगरियों में नहीं है और ई मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इनकी मेरिट ज्यादा से ज्यादा मान के चले तो 290 तक जा सकती है। और मुझे लगता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा इस बार। तो ईडब्ल्यूएस की जहां तक बात है तो 290 आप मान के चलो, और 290 मार्क्स वाला सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति की, एससी की। तो एससी की मेरिट जहां तक मैंने माना है 278, 278, 278 तक अनुसूचित जाति के लिए, और महिला में भी 2-3 नंबर का यहाँ पर फासला रहेगा, मतलब 275 से लेकर 78 के बीच में दोनों मतलब एससी कैटेगरी में जो भी मेरिट रहनी है वो 275 से 78 के बीच रहने वाली है। और अंत में बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति की, तो 267 मैंने सामान्य की मानी है, और महिला के लिए 264। इस प्रकार से ये मेरिट है, ये संभावित है, और मेरे अपने दृष्टिकोण से है। हो सकता है कि इस मेरिट को लेकर आप में और मेरे में मतभेद हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव आपको नजर आ रहे हैं, या आपकी आपकी दृष्टि इससे भिन्न है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से शालीनता के साथ अपने बात रख सकते हैं, ताकि और लोगों को भी जो इस वीडियो को देख रहे होते हैं तो उन्हें भी इस बात का पता चले। और ये मैंने इस वीडियो को काफ़ी समय के बाद बनाया, क्योंकि आंसर की को आए हुए आज काफ़ी समय हो गया, और कई लोगों से चर्चा की है, कई लोगों को पूछा है, कई लोगों की राय जानी है, तो उसके बाद में मुझे लगा कि अब इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर देना चाहिए। इसलिए मैंने मोटा मोटी तौर पर इस संभावित मेरिट को बताने का प्रयास किया है, और आशा करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत या असहमत होना मेरी मेरे वश में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ इसमें हासिल हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।